की है तो उस पे ही रहे। मिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो उसको समझो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दिस इज द गपशप विद शामिर अली जई, सीजन नंबर 1 एपिसोड नंबर 2। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जो एक्चुअल थिंग है, मैं जो मेरा सीरीज़ बनाने का मकसद है, उसका टॉपिक को स्पेसिफाई, कोई जॉनर स्पेसिफाई नहीं किया मैंने। उसकी वजह यह है कि क्योंकि मैं किसी एक स्पेसिफिक जॉनर में चलना भी नहीं चाह रहा हूँ। तो मैं एक्चुअल में इस वीडियोज़ में ये बात करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने खुद पर्सनली मिस्टेक्स की हैं एडल्ट होने तक, ठीक है ना, एक टीनेजर से लेकर एक एडल्ट होने तक खुद मिस्टेक्स की हैं, तो वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो बेसिकली बात ऐसी है कि अक्सर औकात जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं या अभी मैट्रिकुलेशन लेवल पर होते हैं, वो क्या मिस्टेक्स करते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो सबसे पहले तो उनके ऊपर कुछ कानून मुसलत किए जाते हैं, लाइक वो सुनते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है ना, कि लोग अगर मैं सबसे पहला काम करते हैं कि वो ना जो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, मैं ख़ुद भी ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि जो आप पढ़ रहे हो कम से कम उसको समझो कि पढ़ क्या रहे हो। इवन ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उसको समझो, ठीक है ना, कि उसमें लिखा क्या हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के काम आनी होती हैं। तो सेकंड मिस्टेक लोग करते हैं कि वो ये है कि कैरियर सिलेक्शन, जो कैरियर मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कैरियर सिलेक्शन इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक यू डू। क्योंकि आप सबसे पहले ना आपको लेट्स सपोज आपको एक डॉक्टर बनना चाहते हो मैट्रिकुलेशन लेवल के ऊपर, देन व्हेन यू गॉट इनटू एफएससी आप देखते हो कि वैरायटी ऑफ डिग्रीज हमारे पास मौजूद है, देन आपको जो फैसला होता है ना वो वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर आप लोगों के सुनने लगते हो, कोई कहते हैं क्या कर लो, कोई कहते हैं क्या कर लो, कोई कहते हैं क्या कर लो, तो आप उस चीज़ों में पढ़ के ना, इवन कि कुछ लोग मैं जानता हूँ जो अपनी मेडिकल डिग्री को छोड़ के प्रॉपर एडिशनल मैथ करके आईटी में चले गए। मेरा कज़न है, एक और मेरे फ्रेंड है, वो भी ऐसे अब आईटी में जाना चाह रहे थे। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अगर जो आपने फैसला किया है उस फैसले पर रहें, ताकि अगर आप कल को आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम या आपका दिमाग जो है ना एक्चुअल में जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके मुताबिक चलने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर आप अपने फैसले बदलते रहेंगे तो ये एक दूसरे टॉपिक आ जाता है कि वर्सेटाइल बिहेवियर, या मतलब कि वर्सेटाइल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट, जो कि मतलब एक पक्का वो नहीं होता, फैसला नहीं रह सकते होते। क्यों? क्योंकि उनके पास मशवरे ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिक थिंग मैं कहना चाह रहा हूँ कि मशवरे लो लेकिन उनको अपने ऊपर मुसलत ना करो, ठीक है। हर डिग्री की वैल्यू होती है, बेसिकली इंसान की वैल्यू होती है, स्किल्स की वैल्यू होती है, चाहे आपने एफएससी करी हो, चाहे आपने किसी मास्टर्स लेवल की डिग्री कर ली हो, प्रोफेशनल डिग्री, अगर आपको स्किल्स नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है, आपको मार्केट में कोई नहीं लेगा। किसी भी जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे तो आपको स्किल्स नहीं होंगी, ठीक है ना, तो आपको मजबूरन कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि मतलब कि विदाउट प्रोफेशनल की पे भी कम होती है, ठीक है। एक्चुअली जो मेरा मकसद है समझाने का कि अगर कोई भी डिग्री आप करते हो तो उसको प्रोफेशनली तौर पे करो, ठीक है, उसके अंदर स्किल्स सीख ही आपको पे बैक करेंगे, वही आपको आगे चल के आपको कमाई देंगे। या समझ लो हर बंदा पढ़ इसी ले रहा होता है कि आगे चल के उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, चार पैसे कमा ले, सिक्योर कर ले अपनी फैमिली को, दैट्स इट। इसी वजह से हमें जो भी कैरियर सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है, उसको सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, अभी पॉडकास्ट लेवल का सीन नहीं आया मेरे पास, क्योंकि अभी भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। और दूसरी, मैं इतना लेट वीडियो बना रहा हूँ उसका भी वजह यही है कि मेरे पास, मैं जब भी ऐसे बैठा था ना तो कभी मोटरसाइकिल से गुजर रहे हैं, कभी मम्मा ने आवाज़ दे दी है, कभी साथ वाला बच्चा रो रहा है, तो इस वजह से भी मेरी वीडियोज़ आने में डिले हो गई थी। तो फिर मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने का, कि एक बंदा इतना एफर्ट लगा के कंटेंट बना रहा है, ठीक है, मतलब एक बात कर रहा है, ऑब्वियसली इतना एफर्ट नहीं लग रहा मेरा इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बना रहा हूँ और साथ में उससे आवाज़ जा रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, तो ये क्या है। तो जो मेन बेसिक मेरा आज की जो टॉपिक थी वो यही था कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक द स्टूडेंट्स ऑलवेज डू, दे डोंट सेलेक्ट द प्रोफेशनल, दे डोंट लर्न द स्किल्स, वो स्किल्स नहीं सीखते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपके प्रोफेशनल करियर में। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं अब आ ही जाऊँ, मतलब कि माइक यूज़ कर ही लूँ, कुछ ना कुछ कर ही लूँ। सो दैट्स इट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद याद रहिए, जज़ाकअल्लाह।